आप देखो यार भाई, मेरे पीछे से व्यू देखो, है ना सुपर्ब भाई, व्हाट अ प्लेस भाई। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे दोस्तों, मैं समय आनंद करने आया हूँ दिल से दिल की बात। लेट्स गो फॉर दिस वर्चुअल जर्नी साथ साथ। अगर आप हमारे पहले के ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हो, लास्ट दो ब्लॉग्स में आप देख चुके हो, हम बिना कुछ खाए आ चुके हैं। स्लिक गए थे, स्लिक में भी कुछ नहीं खाया था, रोमियो लेन में भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा मम्मी डोंट वरी, देर इज समथिंग बेटर इन स्टोर, आपका बर्थडे बहुत ही स्पेशल जगह पर मनवाएंगे। एंड आप देखो यार, कुंड आस्क फॉर अ बेटर प्लेस यार, दिस इज सुपर्ब भाई। जगह का नाम है कर्लीज, इट्स नियर साउथ अंजुना बीच, तो दिस इज़ प्रीटी कूल यार। रास्ता थोड़ा शेडी सा है आने का, दैट आई एग्री, बट जब आप आओगे ना, रास्ता कंप्लीट करोगे, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्रॉपर्टी, दिस इज़ सुपर्ब भाई। कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, इट्स मतलब इट्स अ रोमांटिक बर्थडे ईव फॉर मॉम। बर्थडे ईव तो वैसे कल थी, आज बर्थडे है, सो दिस इज़ सुपर्ब यार। बाकी मम्मी से सुनो, जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं, उनको कैसी लग रही है ये जगह। सो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर कैफेज़ है कर्लीज इन गोवा। आप इसको प्रॉपर एक शैक भी बोल सकते हो यार। आप देखो क्या प्यारी एंड बढ़िया वाइब है बाय द सी। आप चाहो तो नीचे बाहर की तरफ भी बैठ सकते हो या अंदर भी बैठ सकते हो। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप, हुक्का वगैरह भी है एंड क्राउड भी कितना डिसेंट एंड अच्छा है। यहाँ पे देखो आप, काफ़ी फॉरनर्स एंड इंडियंस पूल भी खेल रहे थे, तो आप चाहो तो ये एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे अपने बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लेक्स नहीं करना चाहता लेकिन मैं भी बहुत अच्छा पूल खेलता हूँ, मैं भी एक टूर्नामेंट जीता था पूल का। कर्लीज पे अगर वापस आए तो आप ये देखो, यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह आपको मिल जाती हैं, आप मतलब केक कटिंग यहाँ पे कर सकते हो आराम से, जो अभी आगे हम करेंगे, आज मम्मी का बर्थडे है। सो आप ये देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत बढ़िया, ये वाली साइड एकदम डिसेंट है एंड यहाँ पे ना अंदर जाके इन्होंने ये टेक्नो वाली चीज़ बनाई हुई है। मतलब जैसे आपने पिक्चरों में देखी होंगी गोवा की मूवीज़ के अंदर की रेव पार्टी चल रही है, बिल्कुल वैसा सीन चल रहा था यहाँ पे अंदर। तो मैंने कहा एक ग्लिम्स तो आपको दिखा देता हूँ कैसा ये सीन होता है गोवा के अंदर। अभी तो ये खाली था, बस एक फॉरेनर अकेले डांस कर रही थी। मैंने कहा चलो भाई चलो, यहाँ पे तो भाई अपना कोई मतलब नहीं है। बाकी हाँ, वापस आ गए हम कर्लीज में। आप देखो यार क्या ब्यूटीफुल बना हुआ है यार, ये है ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव। गोवा के अंदर ना सारे शैक्स जिनकी लोकेशन अच्छी है वो एक्सपेंसिव है, बट यहाँ की जो वाइब है ना वो बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखो ओवरऑल वाइब कितनी सुंदर है यार, लाइटिंग लग के जगह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड ये देखो यार, ये जो इनका बाहर वाला सेक्शन है ना, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग है यार। ये देखो यार, आप सामने एकदम सी को फेस करते करते बैठ सकते हो, आराम से चिल कर सकते हो। वो कहते हैं ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, वाओ यार व्हाट अ पीसफुल एंड अमेजिंग प्लेस यार। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, इतना सुंदर, इतनी अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी हमें ह्यूमिडिटी फील हो रही थी थोड़ी देर पहले तक, बट यहाँ पर तो ब्रीज इज लाइक एक्सीलेंट, बहुत अच्छी वाइब है। और मेरे को उदयपुर याद आ रहा है, उदयपुर में भी हम गए थे तो वहाँ पर भी एक कैफे हमने कवर किया था, उसकी भी कुछ इस तरह वाइब थी। और मेरे को बैंकॉक भी याद आ रहा है, वहाँ पे हम मर्मेड कैफे और ऑक्सीजन गए थे, तो ऑक्सीजन ओएसिस आई थिंक इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, तो वो उसकी भी वाइब बहुत अच्छी थी। तो उस तरह की कुछ वाइब है इस जगह की, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल इवनिंग एंड आई एम इन्जॉइंग इट थरोली नाउ। यहाँ पर आते ही एकदम यू नो दिल से रूह से जो है ना एकदम खुशी उमड़ के आ रही है, तो बर्थडे फील तो अब शुरू हुई है सही मायनों में। तो चलो भाई, वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मम्मी को जगह अच्छी लगी है जिनका हम बर्थडे मनाने आए हैं। अब आप देखो यार भाई, मेरे पीछे से व्यू देखो, है ना सुपर्ब भाई, व्हाट अ प्लेस भाई। ये देखो, दिस इज़ द मेन्यू ऑफ कर्लीज, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। सही है यार, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब यहाँ भी अगर आप आओगे इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1500 to 2K, बट ठीक है यार, इसकी भाई मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी। स्पेंडिंग 2K इज़ मच मोर, मतलब वो कहते हैं ना यू विल फील मच मोर हैप्पियर स्पेंडिंग 2K यार। वैसे रोमियो लेन भी ठीक था, बट 850 रुपये की कोक ना वो थोड़ी मेरे को बीटी कर गई थी, बिकॉज आपको पता ही आपका भाई कोक लवर है। चलो वहाँ की बातें छोड़ें, कमिंग हियर इट्स नाइस, पिज्ज़ाज वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो 700 रुपये का, ठीक है यार, ऐसी वाइब में आपको कहाँ ही मिलता है यार और कुछ। ये देखो ना यार, ऐसे तो आपने कैफे नहीं देखा होगा, आई एम श्योर दिस इज़ अमंग्स द बेस्ट कैफेज इन गोवा।
हाँ जी थैंक यू सो मच। सो चलो मम्मी 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। 2000 years later. पहले तो टू बिगिन मम्मीज बर्थडे ईव मैंने तो मंगवा ली है अपने लिए कोक, आपको बताइए कांच की बॉटल वाली कोक, आई लव इट। एंड ये कोक वगैरह मंगवा ली है, मम्मी ने आइस क्रीम वगैरह ले ली है। देखो यार ये मम्मी ने ले ली है आइस क्रीम, जो आधी मम्मी ने फटाफट से घटक ली है, मम्मी कह रही है उनकी फेवरेट है। एंड यहाँ पे मैंने ना ये कैमरा लगा दिया है भाई टाइम लैप्स आपके लिए लेने के लिए, तो एक बार टाइम लैप्स 10 मिनट का आएगा वो आप देखना, मतलब आपको तो कुछ सेकेंड्स ही दिखेंगे बट आप देखना एंड बताना कि कैसा इफेक्ट है। हमारा स्टार्टर आ चुका है, वाओ क्या लग रही है भाई फिश, दिस इज भैया बोनलेस है ना, फ्राइड फिश है क्या सेंटर? अच्छा एक ही बोन है सेंटर में, अच्छा वाह क्या लग रही है भाई। भाई मैंने जितने भी गो आने से पहले व्लॉग्स देखे हैं सबके व्लॉग में देखा था मैंने किंग फिश, क्या है ये किंग फिश। फाइनली भैया ने कहा मैं अपने हिसाब से आपके लिए लेके आता हूँ, आपको मैं खिलाता हूँ बेस्ट चीज़। सो किंग फिश हम खा रहे हैं ऑन क्वींस बर्थडे, वी आर ईटिंग किंग साइज फिश, किंग फिश सॉरी, साइज भी उसका वैसे किंग साइज ही है। विल टेक अ बाइट है फ्रेंड्स, वाओ दिस इज बोनलेस बिकॉज आपको पता आपका भाई कांटे नहीं खा सकता यार, कांटे वैसे भी पसंद नहीं है मेरे को। इट्स नाइस फ्लैशी है, मसाले मसूले इन्होंने डाले हुए हैं। लास्ट व्लॉग में जो हमने खाया था फैट फिश में फिश एंड चिप्स, वो बहुत ज़्यादा फ्राइड एंड क्रंची थी, ब्रेड क्रम्स उस पर डाले हुए थे, दिस इज़ नॉट क्रंची दिस इज़ सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, मुँह में डालते ही घुल रही है। सो द टेस्ट इज़ प्रीटी गुड यार, आप आओगे ना यहाँ तो एक मेरे कहने पर फिश एंड चिप्स ज़रूर ट्राई करना एंड डू ट्राई दिस किंग फिश, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ वेरी गुड। इन फैक्ट है क्या फ्रेंड्स, आपको अमृतसर में माखन की फिश दिखाई थी जो दिल जीत गई थी, एकदम अलग थी। कल फिश एंड चिप्स आपको दिखाए थे, मतलब लास्ट 2-3 व्लॉग्स पहले आपको दिखाए थे, हमारे लिए तो वो कल था, उसकी प्रेपरेशन काफ़ी अलग थी। एंड दिस फिश इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ये दिस इज स्पेशलिटी, गोवा की स्पेशलिटी है, जैसे गोवन करी वाली फिश स्पेशलिटी थी उसी तरीके से दिस किंग फिश इज़ देयर स्पेशलिटी। सो ये दोनों चीज़ें पास हैं अभी तक। एंड भाई प्रॉन्स भी हमने मंगवाए हैं, तो लेट्स सी क्या ये जगह 10/10 है, इज़ इट अ परफेक्ट 10/10, लेट्स सी। मम्मी के बर्थडे पे वी आर ट्राइंग प्रॉन्स, आंखों में पता नहीं मेरे को क्या हो गया, वील टेक सम राइस सम मोर एंड देन वील टेक अ जम्बो प्रॉन। भाई ये प्रॉन्स कम जम्बो प्रॉन ज़्यादा लग रहा है मेरे को, सो आपको पता ही यार टेल हटा दो एंड डिस्कार्ड द टेल। एंड ये वैसे फ्राइड लग रहा है यार, ब्रेड क्रम्स इसमें भी एडेड है, ये देखो फ्राइड प्रॉन है ये, सो ये भी गो जितने प्रॉन्स आप सबने बारबेक्यू नेशन में खाया ना ये उनका डैडी है, टेस्ट में वेरी डिलीशियस, ब्रेड क्रम्स डाले यार वो क्रंचीनेस दिए एंड प्रॉन्स का जो फ्लैश है इट इज़ नाइस, बहुत ही टेस्टी है। सो इट्स अ गुड 10/10 यार, मज़ा आया। चलो अब इसको फटाफट खाते हैं, कुछ बातें करते हैं फिर मिलते हैं। बहुत अमेजिंग है, ग्रेवी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। नाम है ब्रो आपका? सर मेरा नाम दास है। दास ब्रो इज आल्सो सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ही इज गोना कम इन कर्लीज व्लॉग, थैंक यू दास ब्रो। दास ब्रो आप सबने आ रहे हैं एंड आपने ही सबको खिलाना यार, ये जैसे आपने हमें सजेस्ट किया है। नहीं सबको सेम, हां सबको सेम सजेस्ट करना है, सेम पूरा खिलाता हूं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। 2240 जी, थैंक यू। नेचर के कुदरत के इतने पास बैठ के इतना सूदिंग और इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं होती है, सच्ची बोलती हूँ। व्हाट अ प्लेस भाई, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, अगर मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना होता तो मैं यहाँ बैठता एकदम फेसिंग द सी, मतलब सही है यार वाइब, मेरे को बहुत सही लगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ गो आगे सीरीज़ में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं।